राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। गहलोत ने सरकार के बहुमत का दावा पेश किया और 102 विधायकों की लिस्ट सौंपी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच पहली बार वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी। वसुंधरा राजे ने उनकी चुप्पी को लेकर लगाई जा रही अटकलों को सिरे से नकार दिया और साफ किया कि वो बीजेपी के लिए निष्ठावान हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला करने को लेकर राजे ने कहा कि सरकार की गुटबाजी का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। टेप कांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कांग्रेस से 6 सवाल पूछे। पात्रा ने राजस्थान में इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने पात्रा के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी मान रही है कि उसके नेताओं ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज की है, जिसमें विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। जोशी ने भंवरलाल की आवाज पहचानने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राजस्थान में फोन टेपिंग मामले में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। टेप कांड मामले में बीजेपी के 2 नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। अशोक सिंह और भरत मलानी पर फोन पर कांग्रेस नेताओं को लालच देने का आरोप है। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कारोबारी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 4 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है।